नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ऑनलाइन ठगी के मामले दिन पर दिन सामने आ रहे हैं और ये बदस्तूर बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि देखिए, बहुत सारे हम में से, आप में से ऐसे लोग हैं जो घर बैठे ही सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी है, हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है। और यही वजह है कि इसका फायदा फ्रॉड उठा रही हैं, ठग उठा रही हैं। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौर सिटी सोसाइटी में रहने वाली एक महिला डॉक्टर के साथ 1,00,000 की ठगी की गई है। दरअसल रोजाना की तरह उन्होंने अपने ऑफिस जाने के लिए कैब बुक की। इस बार डिफरेंस ये रहा कि वो हमेशा कंपनी की जो ऐप है उस पर जाकर अपनी राइड को बुक किया करती थी, लेकिन इस बार, अब चूंकि हो सकता है नेटवर्क इश्यूज रहे हो, तो उन्होंने डायरेक्टली गूगल पर जाकर कंपनी का नंबर सर्च किया, कस्टमर केयर के जरिए फोन किया और अपनी जो कैब थी उन्होंने वो बुक की। जैसे ही उन्होंने कैब बुक की, उनके पास एक मनीष के नाम से एक फोन आया और उस शख्स ने यह कहा कि आपके पास एक लिंक आया होगा, उस लिंक को खोलिए और उसके बाद उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इतने में मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। महिला को लगा हो सकता है कि भाई ये एक इनका प्रोसीजर हो। अब चूंकि होता है ना, जिन ऐप से हम फेमिलियर होते हैं तो हमें समझ में आता है कि इनका प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ओला में हम सबको पता है कि हमारे पास ओटीपी आता है, तो अगर हम ओला यूज करते हैं तो हमको पता होता है कि हमें ओटीपी बताना है। उबर में ऐसा नहीं होता, उबर में हम डायरेक्टली जाकर अपना नाम बताते हैं और उसके बाद हम राइड ले लेते हैं। महिला को ये लगा हो सकता है इस कंपनी का ये फंडा हो, उनका ये प्रोसीजर हो कि उनको ऐप डाउनलोड करनी है लिंक खोलने के बाद। उस महिला ने यही किया, लिंक खोला, ऐप डाउनलोड की, उसके बाद कोई एक ओटीपी आया और उस शख्स ने फोन करके पूछा कि आपके पास एक ओटीपी आया होगा, और वही उस महिला को नहीं करना था, उसने वो ओटीपी उसको बता दिया और उसने ये भी कहा कि मैं ऑनलाइन ही अपना किराया पे कर रही हूं। इसी पूरे प्रोसीजर में उस महिला के 1,00,000 रुपए कट गए और ना तो वो ड्राइवर वहां पर आया और उसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब महिला ने हालांकि पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट दर्ज करा दी है, लेकिन अधिकतर जो फ्रॉड के मामले होते हैं वो बस मामले ही रह जाते हैं, सुलझ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम एक बार फिर से आपको आगाह करेंगे और यही बोलेंगे कि जो ऐप्स हैं, जो बनाई गई हैं और जो ऑथेंटिक हैं, जिनका कोई ना कोई माई बाप है, उसी के जरिए आप राइड बुक करें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार फिर से हम आपको बता दें, ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड आपको कोई भी कंपनी नहीं पूछती है और फोन पर तो बिल्कुल नहीं पूछती है। तो आगे से आप लोग आगाह रहें और अगली बार से अगर इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं तो 100 बार सोचें कि किसी को ओटीपी तो बताना ही नहीं है। बहरहाल, इस पूरी खबर को लेकर और जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं फ्रॉड के, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।